Islam and comparative religion. I have been reading Quran and I have a lot of Muslim friends. I'm from Singapore, born and brought up in India. I have some questions and please clarify. Thank you so much. My question is, can we relate the regeneration of skin for hellfire as stated in Quran chapter 4 verse 56 as reincarnation of new life for real suffering? Thank you. Moses dosto, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लफ्ज इस्लाम का मतलब सलामती वाला है। जब कोई शख्स खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, इसके लिए सलामती है और इस्लाम का मतलब भी सलामती वाला दीन है। इसकी तालीमात इंसानियत की फलाह और इंसानियत की बका पर मबनी है, लेकिन कई गैर मुस्लिम तारीख का सहारा लेते हुए एतराज करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। लेकिन एक अंग्रेज मौरख ने तारीखी बातों को रद्द करते हुए बताया कि ये सब बातें मुसलमानों के साथ तासुब और रविश पर मबनी है। इस्लाम का सिर्फ तलवार के जोर पर फैलना सिर्फ एक अफसानवी बात है, इसके सिवा कुछ नहीं। बल्कि इस्लाम तो ऐसा दीन है जो अमन, भाईचारे, रवादारी, अखुवत और बेहतरीन इखलाकी बर्ताव के नतीजे में परवान चढ़ा और दुनिया भर में फैल गया। हर दौर में इस्लाम कबूल करने वाले इन्हीं बातों को जानने के बाद इस्लाम में दाखिल हुए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के मुतालिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक हिंदू लड़की ने इस्लाम की तारीख के मुतालिक सवाल जवाब किए और साथ ही ये शर्त रखी कि अगर इसको इसके सवालों के जवाब मिल गए तो वो मुसलमान हो जाएगी। इस लड़की का नाम रुवीती था। इसने कहा, डॉक्टर साहिब, मैं आपके सारे लेक्चर्स देखती हूँ, मैं कुरान भी पढ़ती हूँ और मेरे बहुत से दोस्त मुसलमान भी हैं। मेरा सवाल ये है कि जहन्नम में जब जहन्नमियों के जिस्म आग से झुलस जाएंगे तो फिर इन्हें नई जिल्द मिलेगी, इससे क्या हम पुनर जन्म का तस्वीर ले सकते हैं जैसा कि हिंदू मजहब में मिलता है? डॉक्टर जाकिर नायक ने लड़की के सवाल और कुरान से दिए गए हवाले पर लड़की की तारीफ की और बताया कि कुरान करीम की सूरतुन्निसा में आया है, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया इन्हें हम जहन्नुम में डाल देंगे और जब इनके जिस्म जल जाएंगे तो हम इन्हें नई खाल देंगे ताकि वे अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। इस आयत से हमें पता चलता है कि खालों को बदला जाएगा, इसे एक और जहन्नम किया जा सकता। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। पहले साइंस का कहना था कि जब जिस्म में कहीं चोट लगती है तो दिमाग को एक सिग्नल भेजा जाता है जिससे दर्द का एहसास होता है, लेकिन आज की साइंस के मुताबिक जिल्द के अंदर ही दर्द महसूस करने वाली हिस होती है। पहले साइंस को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि हम इन्हें नई खाले देंगे ताकि वो दर्द महसूस कर सकें। अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है। मिसाल के तौर पर हिटलर को देखें, इसने 7 लाख यहूदियों को कत्ल किया था। अगर इसे दुनिया की अदालत में कोई सजा मिलती तो ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत होती। ये तो एक जान का बदला होता तो बाकी 59 लाख जानों का बदला क्या होगा, इसका हिसाब कौन देगा? ऐसे लोगों के लिए ये आयत नाजल की गई कि अगर अल्लाह हिटलर को 60 लाख बार जलाना चाहे तो इस पर कादिर है। ये पूनम जन्म नहीं है। पूनम जन्म के बारे में हमें वेदों से पता चलता है। पूनम का मतलब है अगला और जन्म का मतलब है पैदाइश। मुसलमान भी पूनम जन्म पर यकीन रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार कुरान में लिखा है कि इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। वेदों में भी ऐसा ही मिलता है, लेकिन हिंदू पंडितों और स्कूल्स ने इससे एक नई बात अखज कर ली। इनके नजदीक बार बार मौत और जन्म होता है, ये इनका ख्याल है। वेदों में कहीं ये बात नहीं मिलती। इन पंडितों ने खुद ही इन सब बातों को लोगों में फैला रखा है। डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि पंडित इस बात को नहीं समझ पाते कि दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग पैदा होते हैं, कुछ अमीर तो कुछ गरीब, कुछ तंदुरुस्त तो कुछ अंधे या दूसरी बीमारी में मुबतला लोग होते हैं तो कुछ माजूर। अब पंडितों ने खुदा के इंसाफ को लेकर नई बात घर ली। इन्होंने नया जवाब पेश किया कि इंसान अपनी पिछली जिंदगी में कोई ऐसा काम करता है जिसके नतीजे में अपनी अगली जिंदगी में वो गरीब, लूला लंगड़ा या किसी बीमारी को लेकर पैदा होता है जो इसके गुनाहों के नतीजे में इसे मिलती है। ये इन पंडितों के अपने ख्यालात हैं। वेदों में या हिंदू सुहीफों में कहीं ये बात नहीं मिलती। इसके अलावा भगवत गीता में लिखा है कि कैसे एक रूह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाती है, ये सिर्फ एक बार का अमल है, लेकिन पंडितों ने इसे जारी साइकिल जैसा अमल समझ लिया। एक बार रूह का जिस्म में लौटना तो कुरान मजीद में भी लिखा है कि रूह दोबारा इंसानी जिस्म में दाखिल किए जाएंगे। कुरान में सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला फरमाता है
कि वही है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन तुम में से अच्छे काम करता है और कौन बद। वो गालिब और हिकमत वाला है। इंसानों का गरीब और अमीर होना एक इम्तिहान है। हर इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ तरीकों से आजमाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी औलाद दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अगर कोई अमीर है तो इस पर ज़कात फ़र्ज की गई जबकि गरीब पर कोई ज़कात नहीं, इसलिए ज़कात के मामले में इसके नंबर पूरे हैं। इससे ज़कात के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं होगा जबकि अमीर को आजमाया जाएगा और सवाल भी होगा। दुनिया में तो हम गरीब को देख वो बड़ा मुफलिस है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिरत में वो कितने फ़ायदे में होगा। तो गरीबी और अमीरी भी एक इम्तिहान है। कुरान कहता है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अगर किसी बूढ़े जोड़े के हाँ एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जिसके दिल में सुराख हो, वो बच्चा मासूम है। हो सकता है अल्लाह ताला ने इस जोड़े के दर्जात को बुलंद करना हो, इसीलिए अल्लाह ने इन्हें इस तरह से आजमाइश में डाला हो। अगर वो शिकवा शिकायत ना करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने कम से कम औलाद तो दी, तो ये इनके लिए निजात का बाइस बन सकता है। जितनी सख्त आजमाइश होगी इनाम भी इतना अच्छा मिलेगा। अगर कोई बैचलर करता है तो इसे कम तनख्वाह वाली नौकरी मिलती है, लेकिन अगर वो मास्टर कर ले तो मेहनत बढ़ने की वजह से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी। जैसी आजमाइश से वो गुजरा वैसी ही अच्छा फल भी मिलेगा। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने इस लड़की से सवाल किया कि क्या आप अल्लाह के वाहिद होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगाम यकीन रखती हैं? इस लड़की ने कहा हाँ। डॉक्टर जाकिर नायक ने दोबारा क्या कहा, क्या आप बुतों की पूजा करने को सही मानती हैं? लड़की ने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से बुतों की पूजा छोड़ चुकी हूं। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा माशाल्लाह आप तो पहले ही मुसलमान हैं, बस शहादत बाकी है। जिस पर खातून खुद ही बोल उठी कि वो जल्द ही अपने बच्चों समेत आपकी खिदमत में हाजिर होकर शहादत देगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। डॉक्टर जाकिर नायक ने लड़की को दुआ दी कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इस्लाम कबूल करने के बाद भी आपको इस हदायत पर ही रखे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने लड़की को जल्द से जल्द इस्लाम कबूल करने की तलकीन की। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।